महाजनपद करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राज्यों के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। क्या राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे? इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवारें बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष तथा बच्चे ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाही को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों, प्रश्न 92 पर चित्र देखो, के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेख राजाओं के किस प्रकार भिन्न थे, दो अंतर बताओ। कर महाजनपद दों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। इसके लिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होगी। इसके लिए उन्होंने कर्मचारियों को भी आवश्यकता होगी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का एक छठा हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों के उपकार भी कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए 1 महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्रहकों को जंगल से प्राप्त वस्तु देनी होती थी। आखेटक तथा खाद संग्रहक राजाओं को क्यों देते होंगे? कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हाल में फॉल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फॉल की तुलना में लोहे के फॉल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू कर किया, अर्थात खेत में बीज छिड़ककर धान उपजने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी, भूमिहीन खेत मजदूर कमकर करते थे। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? सूक्ष्म निरीक्षण का मगध। मानचित्र 4 में मगध ढूंढो। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध के से होकर बहती थी। क यातायात, ख जल वितरण और ग जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हत्यारों को पकड़ कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनवाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महाजनपद महापद्मनंद
एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही, बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है, मेसिडोनिया का एक राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच रखना चाहा तो उसके सिपाही ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। इन सेना और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? व्यजित, जैसे कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही विजय राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। यह एक अलग किस्म का शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास, कमकर इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ में संबोधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। वज्जे संघ का यह वर्णन दी निकाय से लिया गया है। दी निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और विजय संघ। अजातशत्रु विजय संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपनी मंत्री वैस्कर को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या विजय सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि व्यजवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बात पर ध्यान देते रहेंगे। व्यजित महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्य का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। व्यजित संघ और अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था? कम से कम तीन अंतर बताओ। कई शक्तिशाली राजा इन संघ को जीतने जाते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चला। उसके बाद गुप्त शासक ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में तुम अध्याय 11 में पढ़ोगे। Okay.